को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको मंगलवार का एक बहुत ही खास और एक बहुत ही पावरफुल एक रेमेडी आपको दे रहा हूं। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए अगर आपके नौ ग्रह आपको यदि अनबैलेंस है तो ये नौ ग्रह आपके बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार की नजर है, हाय है, बद्दुआ है, या फिर तंत्र मंत्र आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या फिर गरीबी से आप टोटली चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से चली जाए, दरिद्रता टोटल आपके घर से आपकी जिंदगी से रिमूव हो जाए, तो इस रेमेडी को सिर्फ एक बार आप करके देखिए, रिजल्ट इसका 100% आएगा। क्योंकि कलयुग में जो सबसे जल्दी फल देने वाले देव हैं, ठीक है, जो बहुत जल्दी विनतियों को सुनते हैं, वो हैं चिरंजीव हनुमान जी, ठीक है। इनका प्रयोग कभी भी विफल नहीं होता है। और जो लोग भी इस प्रयोग को कर लेंगे, एक बार यदि कर लेंगे, आपके ऊपर नवग्रह यदि दोष है, ठीक है, नवग्रह यदि आपके बैलेंस है तो नवग्रह भी आपको परेशान करना छोड़ देंगे। कोई भी ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह या कोई भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है, जिसके कारण लाइफ में ऑप्टिकल्स लगे हैं, परेशानी लगी है, पैसा आ नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, या व्यापार वगैरह आपका नहीं चल रहा है, या बेरोजगार है, या फिर नौकरी में चाहते हैं कि आपके जो जॉब है उसमें प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीज हो, है ना, तो ये उपाय एक बार आजमा करके देखिए। इस उपाय को दोस्तों आप किसी भी बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी है जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई है, आपकी वो लाइफ से वो परेशानी रिमूव नहीं हो रही है, जा ही नहीं रही है, तो आप उस परेशानी को दूर करने के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों हनुमान जी जो है इनको अष्ट सिद्धि नव निधि का वरदान स्वयं सीता माता ने दिया है, ठीक है। निधि का मतलब होता है धन, दौलत, शौहरत, है ना, तो अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हनुमान जी को अब अगर ये चीज चढ़ा करके और अपने पास में रख लेते हैं, ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 7 से 11 दिन में इसका रिजल्ट आपको साफ साफ, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अगर डाउट क्रिएट करके अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। अगर पूरा विश्वास है तभी आप इस उपाय को करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मिरेकल चमत्कार कहीं बाहर से नहीं होते हैं, आपका खुद का विश्वास करता है। आप जितना ज्यादा फेथ रखेंगे भगवान पे, जितना ज्यादा विश्वास रखेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिए दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक टिप्स आपको दे रहा हूं कि जिंदगी में यदि पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो शिकायतें बंद कर दें बस। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, ठीक है, जो कुछ भी चल रहा होता है, ये सारा खेल होता है हमारे कर्माज का। हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? कर्माज को रिलीज करने और अच्छे कर्म करने। हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण लाइफ में परेशानी चल रही है, वो कर्माज हमारे रिलीज हो रहे हैं जिससे परेशानी आ रही है, है ना। तो इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, मतलब कि हमें शिकायतें बिल्कुल नहीं करनी है। जब हम शिकायतें करते हैं ना भगवान से, तो हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब हम भगवान को हर एक चीज के लिए जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है उसको लेकर के जब हम धन्यवाद करते हैं, हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो प्रकृति ऐसी एनर्जी, ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे सामने क्रिएट करने लगती है कि हमारे जो डिजायर होते हैं, जो हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो चीज हमारी जिंदगी में मिलना शुरू हो जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव रह करके भगवान को हमेशा धन्यवाद करें। जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे और लाइफ में चैलेंजेस टोटल धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। आज मैं आपको मंगलवार का एक उपाय बता रहा हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, कुछ स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, ऐसे रेमेडीज में हमेशा ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं, ठीक है। कोई ऐसी जानकारी हो जो आपके मतलब कि आपके लिए बेनिफिट दे सके, ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूं तो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी को ढूंढ कर लाने में, आप लोग तक एपिसोड को प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है,
तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूँ, है ना। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपका अनबैलेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है ना। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडी करते हो तो उसका रिजल्ट जो होता है सटीक आता है, क्योंकि आपका जो ग्रह जो आपको प्रॉब्लम कर रहा होता है जब वो बैलेंस हो जाता है तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपना बर्थ चार्ट की डिटेल्स अपनी कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी मैं खुद ही आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और काफी लोगों दोस्तों कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा बर्थ चार्ट नहीं है, तो दोस्तों आपके माता पिता और आपके दादाजी यानी कि आपके मदर फादर और ग्रैंड फादर के नेम पे आपको मतलब कि जो परेशानी चल रही है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। यदि आपके घर का वास्तु अनबैलेंस है, यदि आपको ऐसा लगता है घर में तंत्र मंत्र किया कराया या फिर पति पत्नी में अनबन है या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आप यदि उस समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग सात्विक है, मेरी शर्त वही रहती है कि स्टोन वगैरह ना पहना हो, नॉन वेज वगैरह आप नहीं लेंगे। सबसे पहले अपने कुल देवता का ध्यान करें, कुल देवी का ध्यान करें, अपने पितरों का ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें, ठीक है। उसके बाद में महादेव का, गणेश भगवान का, नौ ग्रहों का ध्यान कर लें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। आपके घर के वास्तुपीठ भगवान, जिस घर में आप रहते हैं तो वास्तु पुरुष, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। आपको उसके बाद में एक नारियल लेना है, जटा वाला, जटा आपको छीलना नहीं है। एक आपको जनेऊ लेना है, ठीक है, एक ही दिन इस प्रयोग को करना है बस। उसके बाद में बस चमत्कार देखने आपको लाइफ में कि हनुमान जी कैसे आपकी सारी गरीबी दरिद्रता और जो भी परेशानी दूर कर देंगे। तो ये चीज, और एक ध्वजा लेनी है आपको छोटी सी, ऑरेंज कलर में लेनी है जिसमें लिखा हो श्री राम, ठीक है। ये तीनों चीजें लेकर के और एक लाल पुष्प ले लें, ठीक है, हो सके तो एक पान मीठे पान का बीड़ा ले लें और एक चमेली के तेल का दिया ले लें। ये सब चीजें लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, ठीक है। एक जनेऊ लेना है, एक नारियल लेना है, एक ध्वजा लेना है, ठीक है, लाल पुष्प लेना है, चमेली के तेल का दिया लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां पर 108 बार जय श्री राम की आपको जाप करना है। उसके बाद में जो भी सामग्री आपने ली हुई है, ये सारी सामग्री यदि आप खुद चढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ से हनुमान जी को चढ़ा दें, ठीक है। ध्वजा आपको चरणों में नहीं चढ़ानी है, ध्वजा आपको कंधे में चढ़ानी है, ठीक है, या फिर अगर ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में लगा सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में लगा दें, चमेली के तेल का दिया जला दें, लाल पुष्प चढ़ा दें, ठीक है, और गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं तो गुड़ चने का भोग लगा दें, और साथ में आपने जो लाल पुष्प जल लिया हुआ है वो चढ़ा दें, ठीक है, और जनेऊ चढ़ा दें। अब इसके बाद में जो जनेऊ, अगर ये जो वाला जो जनेऊ आपने चढ़ाया हुआ है वो चढ़ाने के बाद में अलग से हनुमान जी को यदि कोई जनेऊ चढ़ा हुआ है तो वो जनेऊ आपको निकाल करके घर ले आना है। यदि आप लोग ये सब नहीं कर सकते हैं तो जो किसी भी तरीके से जो पंडित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनको कुछ दक्षिणा दे करके हनुमान जी को चढ़ा हुआ एक जनेऊ आपको लेकर के आ जाना है, घर ले आना है इसको, ठीक है। घर में लाने के बाद में अपने सीधे हाथ में कलावे जैसे इस जनेऊ को आप बांध लीजिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपके ऊपर यदि किसी की तंत्र मंत्र किया कराया, नजर हाय बद्दुआ, कोई दोष है, नवग्रह दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष योग है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई दोष है, वो दोष टोटली आपकी जिंदगी से चला जाएगा। दरिद्र योग है आपकी कुंडली में, वो चला जाएगा, मतलब कि धन का आगमन स्वतः आप देखेंगे। आपको बस प्रार्थना करनी है कि जब ये जनेऊ ला रहे होंगे तो हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिले, गरीबी से मुक्ति मिले, दरिद्रता से मुक्ति मिले, समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिले, ये प्रार्थना करके और इस जनेऊ को अपने हाथ में धारण कर लीजिए। बस उसके बाद में देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, हनुमान जी सारी की सारी परेशानी आपको दूर कर देंगे, और साथ में आप कहीं भी जाएंगे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, क्योंकि लाइफ में परेशानी आती है नेगेटिव एनर्जी के कारण ही, और जब ये जब तक ये जनेऊ आपके हाथ में बंधा रहेगा तब तक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष या दरिद्रता या फिर गरीबी आपको टच नहीं कर सकती। सब कुछ आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अब यदि आप लोग को जनेऊ नहीं मिल पा रहा है
तो आप लोग एक काम करें, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, ये सब चीजें चढ़ाने के बाद में हनुमान जी के उल्टे पैर का और उल्टे कंधे का थोड़ा सा जो सिंदूर होता है, ये सिंदूर निकाल करके मिट्टी के दिए में निकाल करके घर ले आए, ठीक है। और इसको माथे में लगाना शुरू कर दें मंगलवार के दिन से, 21 डेज या 41 डेज तक कंटिन्यू लगाइए इस तरफ को, आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा और किसी भी आपका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको धन कहां से कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कि आपको न्यू आइडियाज आने लगेंगे, धन की कभी कमी नहीं आएगी, बड़े से बड़े काम आपके सोचने मात्र से बनने लगेंगे। हाँ, इस चीज में ध्यान यही देना है, ये तिलक आप करेंगे तो आपको नॉनवेज नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है, सात्विक रहेंगे तभी ये प्रयोग वर्क करेंगे। महिलाएं भी इस तिलक को कर सकती हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, अशुद्धि वाले दिनों में इस प्रयोग को नहीं करना है। पूरे विश्वास के साथ में दोस्तों एक बार इस प्रयोग को आप आजमा करके देखिए, क्योंकि बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देता है। हनुमान जी के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, उग्र देव मारे गए हैं, कलयुग में है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हनुमान जी हैं, जिनके यदि कोई भी सच्चे दिल से सच्ची भावनाओं के साथ में अगर कोई प्रयोग कर लेता है, इनसे प्रार्थना कर लेता है, तो उनके लिए तो कहा ही गया है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कोई ऐसा कार्य नहीं है इस दुनिया में जो हनुमान जी के लिए कठिन है, और हनुमान जी का ये उपाय आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, लाइफ चेंजिंग मिरेकल हो जाएंगे आपकी लाइफ में। बस विश्वास के साथ में करिए, ठीक है, विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जितनी श्रद्धा जितनी विश्वास इस प्रयोग को करेंगे उतना जल्दी और सटीक आपको रिजल्ट मिलेगा। कर्ज की समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या है, सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये जानकारी जितने लोगों तक हो सके तो उतने लोगों तक शेयर करिए। जब अच्छा करेंगे तो वापस आपके पास में 100 गुना वापस आएगा। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, कोई और व्यक्ति है जो परेशानी में है, तो उस तक इस जानकारी को शेयर करिए। मेरे पास में जानकारी थी, मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों तक कोई परेशानी न रहे, सारी परेशानी आपकी दूर हो। तो मेरे बताई हुई इस जानकारी को जब आप करेंगे तो बिना कुछ के इसका पुण्य लाभ मुझे प्राप्त होगा। वैसे ही जितने लोगों को आप इस जानकारी को शेयर करेंगे उतना, और जितने लोग आपकी दी हुई इस जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे तो आपको बिना कुछ किए इसका लाभ मिलने लगेगा। अच्छा कार्य करते हैं तो प्रकृति का नियम है, जो कुछ भी हम देते हैं वापस 100 गुना वापस हमारे पास में आता है। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।